गुना जिले के कुंभराज नगर परिषद कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। गंभीर रूप से घायल प्रत्याशी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल पूरा मामला गुना जिले के कुंभराज का है, जहां नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 के कांग्रेस प्रत्याशी संतोष अहिरवार के साथ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल संतोष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चाचोड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मारपीट करने वाले लोगों की पहचान हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साहब, मैं संतोष अहिरवार, वार्ड नंबर 1 प्रत्याशी कांग्रेस, वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहा था। चूंकि जनसंपर्क कर रहा था मैं भी, रात को 10 बजे मेरी गाड़ी खड़ी थी रास्ते में, मीना के आए 4-5 गुलवाड़ा के गुंडे, लट ले ले करके मुझे कहने लगे रास्ते में, तो गाड़ी हटा मादर चोद, गाली दे करके बोले। मैंने कहा गाली मत दो भैया, हटा रहा हूँ, उनकी गाली कैसे दे रहे हैं। तो साहब हंसने लगे और मुझे थपड़े मपड़े देने लगे, लट निकाल करके मेरे खोपड़ी में सूद दिया। मैं घर पे आकर के हमारे घर वालों को बुला के ले गया, भैया मैया को, तो भैयाओं पे लट बरसाने लगे। 50-60 आदमी यहाँ मोहल्ले में आए, घर पे गालियां देने लगे, चमरू अड्डू कहने लगे मेरे भाई को। पीछे पड़ गए, जब वो थाने में पहुंच गए, श्रीमान जी अभी कोई पुलिस यहाँ पे नहीं पहुंची, जबकि मैंने पुलिस को 4-5 बार खबर कर दी है। और साहब बाहर पूरी भीड़ लगी है, वो गुंडे मेरे घर के आगे पीछे टहल रहे हैं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। आप सबसे कुंभराज नगर परिषद के हमारे प्रत्याशी संतोष बौद्ध, उनके साथ कल अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। पता लग गया है किस गांव के हैं, पता लग गया है कौन लोग हैं, और बहुत गंभीर चोटें संतोष को आई हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता के साथ अगर मारपीट होगी तो ये मारपीट करने वालों की सबसे बड़ी भूल होगी। मैंने कलेक्टर एसपी से बात की है, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है पकड़े जाएंगे, एससी एक्ट लगेगा और वो छूटेंगे नहीं। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूँ, राजनीति करो, शांति से करो, गुंडागर्दी न जनता बर्दाश्त करेगी न कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता किसी ने हाथ लगाया तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ, ईश्वर संतोष को जल्दी ठीक करे और जल्दी ठीक होकर हमारे बीच आएगा। और हम कल प्रशासन से मैं चर्चा करूंगा, गृह मंत्री से चर्चा कर रहा हूं, कार्रवाई कर रहा हूं। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर कुंभराज पुलिस ने एक नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुना से जालम सिंह की रिपोर्ट।